हेलो दोस्तों, कैसे हो गाइस। शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी में एक और डायरेक्टर का नाम जुड़ा है। हाँ दोस्तों, जानेंगे तो वीडियो अंत तक देखना चाहोगे सब्सक्राइब करना। दोस्तों बता दे, शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी की जो लाइनअप है ना, वो काफ़ी बड़ी है। बड़ी बड़ी फिल्म है, बड़े बड़े डायरेक्टर है। और बात करें मूवी की लाइनअप की तो दोस्तों बता दें, अभी तो उनकी द किंग की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। हाँ दोस्तों, सुहाना खान के साथ, उसके बाद पठान टू। लेकिन गाइस बता दें, पठान टू के बाद जो फिल्म होने वाली है वो बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। हाँ दोस्तों, पठान टू उसके बाद जो फिल्म आएगी वो ये बता दें, एक रेड चिल्लीज के प्रोडक्शन हाउस में होगी। हाँ दोस्तों, इसमें एक डायरेक्टर का नाम सामने आ रहा है, इनोवा भी डायरेक्टर के साथ ये मूवी करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टर शाहरुख खान के बहुत अच्छे फ्रेंड है। हाँ दोस्तों, फ्रेंड नहीं भाई, बता दे ये है नहीं है ही। हाँ दोस्तों बता दे, फराह खान। हाँ दोस्तों, फराह खान को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है कि शाहरुख खान फराह खान की एक स्क्रिप्ट सुने हैं और फराह खान की एक स्क्रिप्ट पर वो काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी रिपोर्ट है, शाहरुख खान और फराह खान एक बार फिर से आ रहे हैं एक साथ एक फिल्म के लिए। और बता दे दोस्तों, ऐसे ही फराह खान और शाहरुख खान की जो फिल्म होती है वो सारी के सारी फिल्म सुपरहिट है। मैं हूँ ना हो या फिर से हैप्पी न्यू ईयर हो, हैप्पी न्यू ईयर लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन गाइस बता दे मूवी बॉक्स ऑफिस पे फिर भी काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन की। और आज टीवी पे लोग काफ़ी ज़्यादा उस मूवी को देखते हैं। और बता दे, ओम शांति ओम तो भाई कल्ट मूवी हो चुकी है, वो तो आइकॉनिक मूवी बन चुकी है। दो गाइस इस बार आपका रहेगा कमेंट, तो आपको क्या लगता है, लेकिन ये जो मूवी होगी ये एक्शन वाली मूवी होगी। फराह खान एक्शन करते हुए कैसी लगेगी मुझे नहीं पता, कैसी डायरेक्टर होगी। लेकिन गाइस बता दे, मैंने मिस खान देखी है जिसमें थोड़ी बहुत एक्शन थी, लेकिन काफ़ी दमदार मूवी थी। और बता दे दोस्तों इस बारे में आपका रहेगा, आपको क्या लगता है फराह खान के साथ शाहरुख खान को मूवी करना चाहिए या नहीं, कमेंट बताओ। तब तक के लिए बाय।